तो सनी देओल के एक्टिंग के बारे में कहूँ तो ऑब्वियसली A1। सनी देओल का नाम ही काफी है, तो जो उनका गुस्सा है वो ही उनकी ताकत है। सनी पाजी आ रहे हैं, अब वो आएंगे तो गदर तो मचा के जाएंगे, है ना। और अभी उनकी छुप आई है तो जो छाप गदर ने छोड़ी थी वो आज तक है कि हाँ जी 2.5 किलो का हाथ, और कहते हैं हैंडपंप उखाड़ के लेके आएंगे जी। मुझे लगता है ये डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को। सनी पाजी इन्हें अपना 2.5 किलो हाथ दे के सिखाओ। बॉलीवुड जिस तरीके से फिलहाल बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में देख सकती हैं आप कि पटरी से उतरता दिख रहा है, लोगों में गुस्सा है बॉलीवुड को लेकर। ऐसे में आपसे सवाल है कि क्या सनी देओल वापस से बॉलीवुड को उस ट्रैक पर ले जाएंगे? सनी देओल एक ऐसे कलाकार है जो हमेशा से अपने किरदारों में ऐसा एफर्ट्स डालते हैं ना कि हर कोई खुश हो ही जाता है। इवन उनके कोई सी भी मूवी उठा लो, उन्होंने अपने किरदार में हमेशा बेस्ट किया है। और आज जो हमने उनकी मूवी देखी चुप, एक पुलिस का रोल निभाया उन्होंने, एंड सीरियसली बताऊँ उसमें बहुत अच्छे लग रहे थे लिटरली। मतलब अगर हाँ बाकी के कैरेक्टर्स भी अच्छे थे, दुलकर सलमान थे वो भी अच्छे लिख रहे थे, लेकिन आई थिंक सनी देओल एक ऐसा कलाकार है जो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, शायद उन्हीं की वजह से दर्शक जो है मूवी को ज़्यादा देखना है। तो सनी देओल की एक्टिंग के बारे में कहूँ तो ऑब्वियसली A1। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी इसी से जुड़ा। अब देखिए जैसे कि आमिर खान है, आमिर खान को डर लगता है हिंदुस्तान में, दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र को लेकर रणबीर कपूर को भी घेरा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, खुलेआम कहा कि आई एम अ बीफ गाय। ऐसे में धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है, तो लोगों का कहना है कि सनी देओल बाकी हीरो से बहुत अलग है, आपका क्या मानना है? हाँ अलग है। अभी जैसे कि आपने बोला बॉलीवुड तो चल ही रहा है बेकार, अभी ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई वहाँ पे भी बहुत, जब ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर आया था तब भी धार्मिक चीज़ों को लेके गया था। तो आजकल तो बॉलीवुड में चल ही रहा है, सनी देओल एकदम हटके रहे हैं, हमेशा से हटके रहे हैं। अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा जहाँ पे बॉलीवुड उन्हें गए बॉयकआउट होने के लिए। इवन अभी जो छुपाई है शायद हमने शायद इसके लिए भी बॉयकआउट नहीं सुना, क्योंकि ये ही इज़ अ डिफरेंट, वो हमेशा अलग चीज़ें अपनाते हैं, वो उस ट्रैक पे नहीं जाते जहाँ बॉलीवुड के बाकी कैरेक्टर्स जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो बाकियों जैसे, ही इज डिफरेंट गाय। आज चुप यानी कि 23 सितंबर को चुप आई, दूसरी तरफ गदर 2 आने वाली, क्या गदर 2 में मचेगा वही गदर? मे बी एक्सेप्ट तो यही करा जा रहा है कि जैसे पहले गदर ने इतना अच्छा इम्पैक्ट, जब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी अभी ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी कि आफ्टर 21 ईयर्स, पहले 21 ईयर्स बैक गदर के लिए थिएटर्स भरे गए थे, अब ब्रह्मास्त्र के लिए, तो हम चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड दोबारा हो और वो भी गदर प्रेम सेकेंड पार्ट के लिए, है ना। और अभी उनकी छुप आई है तो मे बी जैसे कि मैंने अभी कहा कि सिर्फ सनी देओल के कारण लोग ज़्यादा आएंगे इस मूवी को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली गदर में तो अमीषा पटेल ही है यानी कि सेम कैरेक्टर्स है, तो ऑब्वियसली लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीद होगी इस मूवी से कि हाँ शायद ये पहले जैसा कमाल दिखा पाए, तो ऑब्वियसली थिएटर्स में आएंगे ही इसे देखने के लिए। सनी देओल काफ़ी एक अच्छे ग्रेट एक्टर हैं, उनकी अगर मूवीज़ देखी जाए तो कहते हैं जो उनका गुस्सा है वही उनकी ताकत है, जो जिस तरीके से उनका स्क्रीन पर जो गुस्सा निकलता है अगर वो निकल गया तो समझ लो मूवी हिट है। और इस मूवी के अंदर आपको पूरा देखने को मिलेगा, उन्हें कॉप का किरदार किया है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, वो सीरियल किलर के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो किरदार है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये मूवी आई है, ये मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी छाप छोड़ने वाली है, जो लगता है कि जो मूवी गदर थी, जो छाप गदर ने छोड़ी थी वो आज तक है कि हाँ जी 2.5 किलो का हाथ, और कहते हैं हैंडपंप उखाड़ के लेके आएंगे जी, वो छाप ये छोड़ने वाली है मूवी इस तरीके की। क्या सनी देओल बॉलीवुड को जीवन दान दे पाएंगे? बिल्कुल, सनी देओल की एक्टिंग ने तो जान डाल दिया, आप लोग मूवी खुद देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि कहते हैं मैं इतनी तारीफ सनी देओल की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस मूवी ने अलग ही तरीके मतलब खेल खेल रखा है। आज 2 मूवीज रिलीज हुई हैं, लेकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि चुप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी दूसरी मूवी के कारण। इसी से जुड़ा मेरा आपसे सवाल होगा कि ब्रह्मास्त्र तो चल ही रही है, तो क्या ब्रह्मास्त्र की रफ्तार रोक पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र की रफ्तार रोक पाएगी। ब्रह्मास्त्र सब लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ VFX के ऊपर खेला है, लेकिन इसकी जो स्टोरी है, और सनी देओल का नाम ही काफ़ी है, सनी देओल के नाम पे मूवी अपने आप खेल जाएगी। सनी देओल की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? जो उनका एग्रेशन है, जो एग्रेशन के साथ जो उनके इंप्रेशन है वो सबसे सॉलिड है, वो अगर आ गए तो सामने एक बार को अपने अंदर डर लगता है यार स्क्रीन से बाहर तो नहीं निकल आएगा ये बंदा, तो इस चक्कर में ये मूवी चल जाएगी। सनी देओल काफ़ी लंबे समय के बाद पर्दे पर आए हैं, तो ऑब्वियसली सबको उम्मीद है कि उनसे वो अच्छी मूवी करा है, उन्होंने अच्छा काम किया है, और बस यही हम मतलब यकीन था कि अच्छा करेंगे और अच्छी मूवी है उनकी। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर लगातार ये अपमान करने का आरोप लग रहा है कि वो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, तो ऐसे में मैं आपसे पूछूंगी कि क्या सनी देओल उनमें से बेटर है? मुझे नहीं लगता कि अभी सनी देओल का कुछ भी ऐसा हुआ है जिसमें वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए या कुछ भी, मुझे नहीं लगता है। और जो मूवी मैंने देखी है उसके बेसिस में भी मैं बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है उस मूवी में कि धार्मिक ठेस पहुँचे या कुछ भी, तो अच्छी है।
बाकी जो आमिर खान हो गए पीके में, वो भगवान महादेव को दौड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र के जो रणवीर कपूर जी हैं वो कहते हैं कि आई एम अ बीफ गाय, तो ऐसे में धार्मिक भावनाएं आहत होती है लोग कहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मतलब वो उनका जो भी है लोगों की पर्सनल चॉइस है, सबका देखने का तरीका अलग है। जैसे पीके में लोगों ने बोला इस वे में देखा है, मैंने नहीं देखा था तो मैं उस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगी। सेम दूसरी मूवीज़ में भी मैं ऐसे नहीं देखती कि धार्मिक चीज़ है या कुछ भी है, मैं देखती हूँ कि मतलब मूवी ने क्या स्टोरी है उस बेसिस पे देखा है मैंने, तो मैं नहीं बोलूँगी कि धार्मिक भावना है, बाकी सबके अपने ओपिनियंस है, मैं उसको। तो क्या आपको लगता है कि सनी देओल बॉलीवुड को पटरी पे ला सकेंगे? बिल्कुल लाएंगे वो पटरी पे। जो हमारी मूवीज जो पहले आती थी वो बहुत ज्यादा आपको पता है क्या कूड़ा बना देती थी मूवी को, क्या मजाक बना रहे हो, और भी तो धर्म है, थोड़ा उधर भी देख लो, सिर्फ हिंदू धर्म ही मिलता है क्या तुम्हें? और सनी पाजी आ रहे हैं, अब वो आएंगे तो गदर तो मचा के जाएंगे। सनी पाजी कितना एक्साइटमेंट से आप इंतजार कर रहे हैं? और बहुत बहुत ज्यादा, जैसे गदर देखी थी ना, अब गदर 2 में भी वैसा ही होगा, कमाल उखाड़ के आएंगे सब कुछ पाकिस्तान को। यहाँ पे पाकिस्तान की बात आ गई, लेकिन अभी बॉलीवुड पे अगर मैं आपसे पूछूं तो बॉलीवुड हमेशा सनातन धर्म को क्यों टारगेट करता है, क्या लगता है आपको? अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता है भाई, और भी कुछ भी देख लो, बाकी भी धर्म है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें हिंदुओं से? बाकी कभी हमारे शिव जी को भगाते हुए दिखा देंगे, तो पता नहीं कभी क्या, कभी कोई बड़ा स्टार आएगा, हम बीफ खाते हैं, हम ये करते वो करते, यार थोड़ा तो दिमाग चलो, और भी धर्म है, उधर भी फोकस करो, क्या कर रहे हो यार? गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया, मधुबन में राधा नाचेगी, ये जो गाने बनते हैं इस गाने के पीछे की क्या मंशा है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म को, और कुछ नहीं कर रहे ये यार, गाने सेंस वाले गाने बनाओ ना थोड़े, क्या कर रहे हो यार? यही बोलूंगा, मतलब रिस्पेक्ट करो तो मूवी देखेंगे, अगर फालतू के काम करोगे तो कोई नहीं देखेगा आपकी मूवी। जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है ना वही चलता रहेगा आपकी मूवी के साथ। सनी पाजी से कुछ सीखना चाहिए इन बॉलीवुड वालों को? बिल्कुल सीखना चाहिए, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इन्हें, और सनी पाजी इन्हें अपना 2.5 किलो हाथ दे के सिखाओ, जो समझते नहीं है आपकी बात।